फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने लगे, यहाँ पर हमने एक गेम ढूंढी है जो कि यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसके जो लॉक स्क्रीन है यार काफ़ी ज़्यादा मेरे को मस्त देखने में लगा। इसके जो गेम है जिसे कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं एंड फुल रिव्यू करेंगे आज के इस वीडियो में। इस गेम का कौन से डिवाइस में आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद देते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए कुछ स्टेप्स आपको लॉक जो है आप होम स्क्रीन देखोगे, तो होम स्क्रीन के अंदर कुछ स्टेप्स आपको ऊपर जो है क्लॉक का टॉगल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप टैप करोगे तो स्टेप से जो है चेंज होते जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। डार्क मोड एंड व्हाइट मोड हो जाता है। यहाँ पे आप टैप करोगे देख सकते कुछ स्टेप से ब्लर वगैरह जो बढ़ता जाता है एंड कुछ स्टेप डार्क वगैरह होता जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त मेरे को देखने में लगा। बाकी इसका वॉलपेपर एंड आइकन आप देख सकते हो, कुछ स्टेप्स आपको देखने मिलते जो कि काफ़ी ज़्यादा सही गैलरी वाला रीम्स वाला जो आइकन से कैमरा वाला आइकन है आप चेक कर सकते हो, देखने में काफ़ी ज़्यादा मेरे को मस्त देखने में लगा। बाकी जैसे टूल्स का जो फोल्डर है अगर इसमें चेक करोगे तो इसमें देखिए तो पूरे आइकन्स है उनको चेंज कर देंगे अलग अलग आइकन से काफ़ी ज़्यादा मस्त दिखने में लगे। सेटिंग्स के अंदर हम बात करें तो अबाउट फोन के अंदर आपको कोई वगैरह सेटिंग्स के अंदर कोई चेंज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। आई डोंट नो ऐसा क्यों, बट सेटिंग के अंदर आपको कोई चेंज वगैरह देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट चेंज में बात करूँ कंट्रोल सेंटर की, तो कंट्रोल सेंटर में आपको सिर्फ एक माइनर चेंज देखने को मिलता है, वो है आपका जो मोबाइल नेटवर्क होता है उसमें जो है आपको एक ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है जो कि ठीक ठाक से बात है, जैसे कुछ इसमें खास देखने को नहीं मिला। बाकी देख सकते इसके जो होम स्क्रीन है वो ज़्यादा मस्त देखने मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पे सबसे पहले क्लॉक के अंदर आपको बैटरी आइकॉन, यहाँ पे जो नाइट मोड, यहाँ पे आपने कितने स्टेप चल रहे, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप से 128 GB में से कितना GB आपका खाली है वो सब देखने को मिलता है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी बढ़ते हैं मेन बात की तरफ, वो है इसका लॉक स्क्रीन। देख सकते सबसे पहले यहाँ पे मैं बंद करूँगा एंड चालू करूँगा, देख सकते कुछ स्टेप से आ जाते हैं। इसकी जो एनिमेशन देख सकते काफ़ी ज़्यादा मेरे को मस्त देखने में लगा, कुछ स्टेप से बड़े बड़े स्टाइल में आपको देखने को मिलता है एंड वही सारी चीज़ें ऊपर देखने को मिलती है। बाकी इस सब मैं स्वाइप करूँगा तो कुछ स्टेप से एनिमेटेड टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले डार्क मोड आ जाता है, यहाँ पे डार्क मोड में करूँगा तो कुछ स्टेप से चेंज होते जाता है। यहाँ पे क्लॉक का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, डार्क एंड व्हाइट वगैरह कर सकते हो, डेट कलर वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे लॉक स्टाइल विजिट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फोल्डर, यहाँ पे देख सकते कुछ स्टेप से इसको वगैरह जो है चेंज वगैरह कर सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा मेरे को ब्यूटीफुल लगा। यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाओगे जो टैप वगैरह नहीं होता। बाकी इस साइड जाओगे तो जिससे यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्लॉक देखने को मिलता है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से टाइमिंग वगैरह देखने को मिलता है एंड कुछ इस टाइप से जो आपके एयरपॉड वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है एंड नीचे कुछ वाईफाई का टॉगल सब कुछ जो आपको देखने को मिलता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे म्यूजिक प्ले वगैरह कर सकते हैं, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। जैसे यहाँ पे जो टाइमर है 51 सेकंड 52 ऐसे जो चलता जाता है एंड देख सकते कुछ स्टेप से इसके जो एनिमेशन है काफ़ी ज़्यादा मस्त है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलती है। देख सकते कुछ स्टेप से टैप करो तो बैटरी आइकन हटा सकते हो, उसको टैप करके इसको हटा सकते हो, आप जो चाहो यहाँ से हटा वगैरह सकते हो। एंड आप जैसे कस्टमाइज वॉलपेपर करोगे तो वॉलपेपर जो है वो चेंज हो जाएगा जो कि देख सकते कुछ स्टेप से यहाँ पे मैं वापस से करता हूँ तो वॉलपेपर जो है चेंज वगैरह होते जाते हैं जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी अगर मैं बात करूँ इस गेम का जो नेम है वो अगर मैं आपको शो करूँ तो इस गेम का जो नाम है वो है यूनी कालेन। आप गेम स्टोर पर सर्च करो तो आपको देखने को मिल जाएगा। आपके Mio 12, Mio 13, Mio 14 तीनों ही गेम स्टोर में देखने को मिलेगा। ये Mio 12 वाला डिवाइस इसमें मैंने गेम सर्च कर मेरे को देखने को मिल चुका है। यहाँ पे आप चाहे तो डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना। बाकी ये इसमें मैं Mio 14 यूज़ कर रहा हूँ एंड इसमें सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। देख सकते यहाँ पे Mio 14 में एंड गेम जो है काफ़ी ज़्यादा मस्त है, तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना एंड बाय।